हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। हम मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मेरी लाइफ का सेकंड ब्लॉग, और मुझे उम्मीद है कि आप सबका साथ मेरे लिए बना रहेगा। आज मेरे जिम के ट्रेनर को लेकर हम खेलने जा रहे हैं मिस्टर गुजरात, और मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ पे गोल्ड फर्स्ट मेडल लेकर आने वाले हैं। आइए हम हमारे ट्रेनर से मिलते हैं। ये हमारे ट्रेनर है आयाज सर, और इनके माशाल्लाह कंडीशन अभी बहुत प्यारी है। हमको पूरी की पूरी उम्मीद है कि हम वहां पर से फर्स्ट ले बिना तो कभी रिटर्न आ ही नहीं सकते। और अभी सर लगा रहे हैं लेटर रेस, तो आप देख सकते हो उनका फॉर्म एंड टेक्निक और उनकी बॉडी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपका हमारे लिए लगातार जुड़ा रहना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहोगे। तो अभी ये बॉडी आपको हम देंगे सरप्राइज, वहां पे ट्रॉफी के साथ गोल्ड मेडल के साथ। तो अभी हमारे हमें जाना है 70 किलोमीटर दूर आणंद। तो हमारे पास तो व्हीकल है नहीं, सबके पास टू व्हीलर। तो मैंने मेरे एक दोस्त को कॉल किया है, वो अभी उनकी कार लेकर आ रहे हैं। तो हम पांच उनके थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम। वैसे हम 6 लोग हैं, लेकिन ऐसा बॉडी बिल्डर है सारे के सारे। 5 सीटर में भी हम 4 लोग गए, लेकिन हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बैठ जाएंगे। तो अभी हम हमारे दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। उनका जैसे ही कॉल आएगा तो हम हमारे जिम के नीचे जाके हम सीधा कॉम्पिटिशन में एंट्री मारेंगे हमारे मिस्टर गुजरात के ये साथ। मेरा दोस्त कार लेके खड़ा है, 10 से 15 मिनट से इंतजार कर रहा था ये, और मेरा भाई अभी मिला है। अस्सलाम वालेकुम। और फैजल खान कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए भाई, हम आपका इंतजार कर रहे थे। चलिए चलिए चलिए, मैं यहाँ पर डीजल पुराना रुके 1000। जब किसी भी पेट्रोल पंप पे आओ तो वहाँ पे सबसे पहले 0 देखना है, वरना अमुक पेट्रोल पंप पे डायरेक्ट 50 और 100 से स्टार्ट होता है, तो इसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल पेट्रोल पंप में बहुत चोरी होती है। और वैसे पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हुआ जा रहा है कि लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल के अंदर तो साइकिल ही चलाएंगे। ये मेरे फिजल भाई का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वरना अभी इतनी धूप में हम टू व्हील पे जाना पड़ता है इतनी दूर। देखो अभी भी आप देख सकते हो हम कैसे बैठे। देखो पूजा सर तो दिख ही नहीं रहे, पूजा सर और यार सर, ये हमारे जीव का नाम रोशन करने जा रहे हैं। ये टोल टैक्स आया है, और ये गवर्नमेंट की बहुत प्यारी मुझे सिस्टम लगी है, अभी अपडेट हो गई है। इससे अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, तुरंत फास्टैग कट के स्कैन होकर और निकल जाती है गाड़ी। कॉम्पिटिशन के पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं हमारे सर को लेके मिस्टर गुजरात। हम यहाँ पर आ गए प्रोटीन सुपर मिस्टर गुजरात का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और हमारे आया सर अंदर चले गए। अब हम देखते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। हम चलेंगे आड़न टाउन हॉल के अंदर, वहाँ पर कॉम्पिटिशन है, तो हम वहाँ पर चलेंगे। अभी हमारे सर बहुत डिहाइड्रेट हो गए हैं, क्योंकि कल से इनका पानी बिल्कुल भी बंद है, सिर्फ 1 लीटर पानी कल से पिया। तो अभी लेकिन सर का मोटिवेशन बहुत ही हाई है, तो गाइस देखना हमारे सर फर्स्ट आते हैं कि नहीं, तो इसको देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह। सब हम टाउन हॉल आ चुके हैं, ये एंट्रेंस गेट है टाउन हॉल का आड़न। चलिए सर। ओ जय जय श्री शंकर। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। उमेश कुमार सबसे पहले जूनियर बॉडी बिल्डर को बुलाया गया है स्टेज के ऊपर। हेलो, बस 2 मिनट उमेश कुमार स्टार्ट के हुए। हम शाम को 5 बजे से वेट कर रहे थे, और अभी 8 बजे, 8:15 बजे जिस कैटेगरी में कॉम्पिटिशन ले रहे हैं उस कैटेगरी में सारे अपने फ्रेंड्स। अभी हमारे सर को टैनिंग लग रहा है, आप देख सकते हो इनकी कंडीशन कितनी प्यारी लग रही है, इनकी कंडीशन आप बहुत ही मस्त है। और अपना कोई भी कॉम्पिटिशन दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं स्टेज पे चढ़ने के बाद, क्या पता को इनसे अच्छे बेहतर कंडीशन लेकर आ सकता तो वो कभी फर्स्ट ले जाए, तो हमें कोई पता नहीं है। लेकिन हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा सर हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट लेकर आएंगे। हमको पूरा तो मेरे भाई बैक स्टेज किसी बॉडी पंप करने जा रहे हैं, ये डिप्स लगा रहा है, कम से कम 40 से 50 डिप्स मेरे भाई ने अभी तक लगा दी है। और अभी मेरे भाई को आप देख सकते हो कितनी मेहनत कर रही है फर्स्ट आने के लिए। और बॉडी बिल्डिंग आप समझ रहे हो इतनी आसान नहीं है मेरे भाइयों, अभी सारे के सारे बॉडी बिल्डर के अंदर वाटर भी नहीं है, और जब पानी नहीं होता बॉडी के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत होती है इंसान की। पानी बिना दुनिया अधूरी है, तो फिर हम तो इंसान है मेरे भाई।
पाँच मिनट के बाद हम स्टेज पे जाने वाले हैं और उनके सारे सारे कंपेरिजन जितने भी है मसल्स के अंदर इंशाल्लाह ये कंपटीशन के तो रहा सर इंशाल्लाह गोल्ड लेकर आएंगे। बस पाँच ही मिनट में हम जा रहे हैं ऑन स्टेज के ऊपर और रहा सर जैसे भी स्टेज के ऊपर जाएंगे हम जाएंगे चेयर के ऊपर इनको चेयर अप करने फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप लगातार जुड़े रहिए देखते रहिए मिस्टर गुजरात कौन बन रहा है आखिर। आप देख सकते हो आया सर भी स्टेज पे आ गए उनके सारे के सारे कॉम्पिटिटर भी स्टेज पे आ चुके हैं। आया सर आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं मिडल में येलो बरमुंडे के अंदर ये रहे आया सर ये रहे आया सर येलो बरमुंडे के अंदर है आया सर ये रहे क्या आया सर ये और सारे के सारे क्या फिजिक देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है अभी। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आया सर का खींच रहा हूँ गाइस सारे के सारे बॉडी बिल्डर जिदीरो जान से मेहनत करते हैं तब जाके स्टेज पे आते हैं। अहमदाबादी से 24 अहमदाबादी से हम जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद पूरी हो चुकी है। मैंने कहा था ना गाइस मेरे सर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता तो आप देख सकते हो मत्स्य मेन्या में फर्स्ट लगाया है हमने। कितना थक रहा हूँ अभी आप देख सकते हो कि रात के 4 बज चुके हैं 4 में 10 ही मिनट बाकी है और सुबह मुझे 8 बजे वापस से एक्सरसाइज कराने सर को आना है। तो अभी अब सर का थोड़ा सा फोटो शूट कर ले खुशी तो बहुत है लेकिन अभी थकान के मारे में कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा हूँ। तो आइए अभी हमारे सर से मिलते हैं। हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आकर हम आज का ब्लॉग फिनिश करने वाले हैं। अभी 4 बज गए हम यहाँ से नून में शायद 2 बजे निकले थे है ना सर। अभी देख सकते हो सर मेडल के साथ कितने प्यारे थे गए थे तब हमारे पास ये चीज नहीं थी और आए तो मैंने आपको यहाँ पर ही वादा किया था कि हम लेकर आएंगे और इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ हम लेकर आए हैं। चलो कल या परसों में कभी भी न्यू ब्लॉग मिला तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ।